आपका स्वागत है दर एम शो क्लिप्स में बस देखते रहो और सीखते रहो आप तंत्र साधना करते हो हाँ जी ओके okay. आपकी uh, एज क्या है थर्टी एट uh, इसी मास में उनतालीस का थर्टी नाइन का हो जाऊंगा और साधना की शुरुआत कब हुई बारह वर्ष पहले बारह वर्ष पहले बारह वर्ष ट्वेंटी सेवन हाँ जब मैं सत्ताईस कैसे हुई Uh, मुझे मालूम था मैं उस समुदाय में बहुत पहले से था मैं uh, जो मेरे गुरु हैं केवल मेरे आध्यात्मिक गुरु ही नहीं हैं वह मेरे uh, बौद्धिक गुरु भी हैं तो मैं अठारह वर्ष का था तब आई स्तंबल अपॉन है मैं उनसे मिला भौतिक गुरु मतलब इंटेलेक्चुअल उसमें भी भी पॉलिटिक्स रिलीजन सोसाइटी इस प्रकार से भी। और सबसे पहले तो मुझे यही uh, मालूम था, उनके, बारे में पता था कि उनके पास बहुत सारी पुस्तकें हैं और मुझे कुछ पढ़ना है मैं ग्वालियर नगर में था और इतना छोटा इंटरनेट से पहले का वह युग था जी और मुझे पढ़ना बहुत पसंद था मैं नौ वर्ष की आयु से पढ़ रहा था तो मेरे एक दोस्त के दोस्त के दोस्त ने बोला उसके पिताजी के पास घर में ना बहुत सारी किताबें हैं तो मैंने कहा मुझे ले चल वहाँ पे दैट्स हाउ आई आटम्बल्ड अपॉन माई गुरु इस प्रकार से मैं गुरु के पास पहुंचा तो पहले पाँच छः वर्ष तो उन्होंने मुझे केवल राजनीति और जो बाकी के हिस्ट्री सोशियोलॉजी आर्कियोलॉजी जोग्राफी ये सब सब्जेक्ट्स इसके बुक्स पढ़ाए कंपेरेटिव रिलीजन इस तरह से यह सब उन्होंने पढ़ाया पाँच छः वर्ष बाद धीरे धीरे मुझे वो सारी बातें करते थे कभी कभी दो तीन मास में उनके पास कुछ लोग आते थे और जो वो एक ट्रिप पर जाते थे किसी एक स्थान पर जाते थे मंदिर में जाते थे वहाँ कुछ भंडारा होता था कुछ ध्यान वगैरह होता था तो मुझे उससे समझ में आने लगा कि ये कुछ और भी हैं ये केवल बौद्धिक गुरु नहीं है ये आध्यात्मिक गुरु भी हैं तो और मैं चुप रहा क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आपको दीक्षा तभी मिलती है जब मिलनी होती है तो मैं बहुत समय तक चुप रहा पाँच छः वर्ष के बाद अचानक एक दिन वो जा रहे थे और मुझसे कह रहे तू भी चलेगा मैंने कहा हाँ और तब उन्होंने दीक्षा दी इस प्रकार से मेरी दीक्षा हुई हम दीक्षा के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है तो मैं उस प्रक्रिया के बारे में नहीं करूंगा परंतु अठारह वर्ष के बाद पाँच छ वर्ष और सात आठ वर्ष और बाद जब मैं 26 का लगभग था बारह तेरह वर्ष पहले तब दीक्षा हुई ओके okay. आगे बढ़ने से पहले मैं ऑडियंस को यह बताना चाहूंगा कि जो भी पूजा हम घर पे करते हैं घर के मंदिरों में करते हैं वो तंत्र ही है जब आप फूल ऑफर करते हो जब आप मिठाई ऑफर करते हो भगवान को वो तंत्र साधना होती है पर अगर किसी गुरु ने आपको बताया कि देखो पहले ये करो फिर ये करो फिर इस मंत्र का जाप करो और एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपको प्रोसीजर बताते हाँ जी और बहुत प्रक्रिया है जो बहुत छोटी हो जाती है मतलब आपको जो तीस वर्ष लगेंगे जो अपने आप करने में कई बार उसके बाद वह प्रक्रिया बहुत कम समय में हो जाती है मतलब शॉर्टकट मिल जाता है आपको खुद के स्पिरिचुअलिटी को झट से एडवांस करने के लिए हाँ गुरु की जरूरत होती है। गुरु की आवश्यकता होती है मेरे गुरु विद्या और अविद्या को डिफाइन करते हैं उसकी एक बहुत सुंदर परिभाषा देते हैं कि विद्या वह है जो मरने के बाद भी आपके साथ रहे इसका अर्थ है कि दूसरे जन्म में जो आप ले जाएं वह विद्या है जो भी आप इस जन्म में आपके मरने के साथ छूट जाता है वह विद्या है शास्त्र की दूसरे परिभाषा भी हैं पर वो बहुत सरलता से क्योंकि उनका एक स्वभाव था जो भी कठिन सिद्धांत है उसको बहुत सरल रूप से हमें समझाते थे तो उन्होंने कहा अविद्या वो है जिस प्रकार से इतिहास का ज्ञान है Uh, मेरी डेथ के साथ मेरी मृत्यु के साथ वो चला जाएगा परंतु जो हिंदू विश्वास है पुनर्जन्म में जो है तो वो जो अगले जीवन में भी चले कहते हैं कि साधना आपने जितनी कर ली है इस जीवन में आप उस ठीक उसी स्थान से अगले जीवन में वहां से चालू करेंगे और बहुत अचानक से शुरुआत हो जाएगी मेरा गुरु का मिलना इतना आकस्मिक था मेरा मैं एक कोचिंग क्लास में गया जिस कोचिंग से मुझे कोई लेना देना नहीं था मैंने वह विद्या आगे उस स्ट्रीम को फॉलो भी नहीं किया डेढ़ महीने गया जहां पर मुझे एक मित्र मिला जो मेरी प्रकृति से बिल्कुल विपरीत है मेरे नेचर से बिल्कुल ही वो मेल नहीं खाता है फिर एक मास के बाद वो एक महीने के बाद वो कहता है एक मुझे लगता है तू मेरे साथ अपना समय बर्बाद कर रहा है तो मैं तुझे एक दूसरे मित्र से मिलाता वो थोड़ा पढ़ता है उसने दूसरे से मिलाया उसका एक और मित्र था उसने उससे मिलाया उसने कहा कि मेरे मित्र के पिताजी के पास बहुत पुस्तकें हैं। तो ऐसा कोई कारण ही नहीं था मैं उस कॉलेज में नहीं पढ़ता था आ, मैं वहाँ उस क्षेत्र से नहीं था मैं उस जाति से नहीं था उस समुदाय से नहीं था पर फिर भी आई हैड टू स्टम्बल अपॉन माई गुरु और मैं उनके चरणों में कैसे भी आके गिर गया तो वह आकस्मिक है और मुझे तो ऐसा लगता है अगर वो नहीं मिले होते तो मैं पढ़ बहुत पहले से भी रहा था पर मैंने ऐसे भी व्यक्ति देखे हैं बहुत पढ़ने के बाद भी कन्फ्यूजन बहुत है और कोई एक क्लियर विचारधारा या धारा नहीं है परंतु मेरे गुरु के कारण सब कुछ बिल्कुल सीधा हो गया सॉरी यार आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द दस सेकेंडली हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बी आर स्किल हाउस इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अपस्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें हम लेकर आए आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स क्योंकि ये है बीओ बाइज से टीम का कोर्स स्किल सेट बहुत सारे अप स्किलिंग कोर्सेस आ रहे हैं तो एटलीस्ट चेक आउट फॉलो आर चैनल फॉलो आर इंस्टाग्राम पेज बट TRS. उनका ऐसा रहता था ऐसे ऐसे लेखकों के बारे में उन्होंने मुझे बताया है कि मुझे अब आश्चर्य होता है कि उनको वह पता भी कैसे था जब इंटरनेट नहीं था ग्वालियर में केवल टेक्स्ट बुक्स के अलावा कुछ नहीं मिलता था तो उन्होंने कहा से वो बुक्स पढ़ लिए आज भी जो मेरे जैसे जो मेरे यूनिवर्स में जो हाईएस्ट हैं भारत से रामस्वरूप जी श्री रामस्वरूप जी जो लेखक हैं और वेस्ट से लॉरेन आइजली उन दोनों के बारे में उन्होंने ही मुझे बताया और 20 साल बाद मुझे नहीं लगता कि उनसे ऊपर मुझे कोई और लेखक मिला है कुछ बताइए इन दोनों के बारे में श्री रामस्वरूप जी श्री अरविंदो के लाइन में आप समझ सकते हैं कि वह हैं उनके गुरु श्री अनिर्वाण थे जो कि श्री अरविंदो की लाइन में थे और श्री रामस्वरूप ने पूर्व पक्ष किया है दूसरे रिलीजन्स का इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी का योग चित्त भूमि में ये जो रिलीजन है वे कहाँ हैं और पेगन रिलीजन्स जिनको बोलते हैं जो पूरे वर्ल्ड में है पेगन सेक्ट्स जो लोकल नेचुरल रिलीजन्स हैं वो कहाँ हैं सनातन धर्म कहाँ है मेन उनका स्टडी इसके ऊपर है फिर इस तरह से एक बुक है ही हैज रिवर्स द गेज जैसे उनका एक पुस्तक का नाम है हिंदू व्यू ऑफ क्रिश्चैनिटी इन इस्लाम तो अभी तक हम क्या सोचते उससे पहले हम क्या सोचते आते थे मुख्यतः कि पश्चिम हमारे बारे में क्या सोचता होगा और हम अपने धर्म को अपने समाज को उनकी दृष्टि से देखते थे उन्होंने उसको उल्टा किया और <laughs> हिंदू व्यू ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इस्लाम क्या है योग सूत्र के अनुसार ये जो है रिलीजन है वे कहाँ है तो इस प्रकार से एक उनका काम ये है दूसरा अंडरस्टैंडिंग इस्लाम थ्रू हदीस बहुत सुंदर एक पुस्तक है इस्लाम को उनका जो लॉ है वैसे स्टडी किया है फिर उनकी जो तीन सबसे बड़ी पुस्तक हैं एक है ऑन ट्रायोलॉजी जैसा आप समझ सकते हैं दूसरा है मेडिटेशंस जिसमें योग सूत्र और योग मेडिटेशन इन सब की बातचीत है तीसरा है वर्ड एज रिविलेशन वह उनकी सबसे ऊंची पुस्तक है सबसे गहरी पुस्तक है मुझे नहीं लगता अगर एक पुस्तक का नाम मैं लूं, जो सबसे गहरी पुस्तक आज मैंने पढ़ी है तो वो श्री रामस्वरूप जी की द वर्ड इज रिविलेशन है जिसमें वह यह सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार से ये जो देवताओं के नाम हैं मंत्रों के नाम हैं उनका सत्य उनको जपने से कैसे सत्य आप देख सकते हैं हाउ कैन यू सेल्फ गेट टू द पॉइंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन जस्ट बाय दिस तो उन मंत्रों का uh, क्या अर्थ है uh, बड़ी गहराई है परंतु उस पुस्तक में यह है लॉरेन आइजली मेरे जो मन के सबसे निकट है uh, वो जिस प्रकार का लिटरेचर लिखते हैं उसमें साइंस है वो साइंटिस्ट थे तो साइंस का डीप नॉलेज है साइंस की बहुत विज्ञान का बहुत गहरा ज्ञान है उनमें परंतु उसके साथ में साहित्य का पर इतनी अच्छी पकड़ है उनका एक एक शब्द कविता के जैसा है जब मैं उनको पढ़ता हूँ उनकी एक मैंने पुस्तक पढ़ी है सात आठ बार द फर्मामेंट ऑफ टाइम और मैं मेरा एक अभ्यास है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो हाईलाइटर से और पेन से मार्क करते रहता हूँ और पास में नोट लगाते रहता हूँ वह पूरी नाइन्टी परसेंट बुक जो है वो लाल है हाँ, हाँ, फर्मामेंट ऑफ टाइम उनका एक सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है विच मोर पीपल नो अबाउट द इमेंस जर्नी पूरे यूनिवर्स का हिस्ट्री इतिहास उसमें आ, है मतलब बिग बैंग से लेकर हाँ बिग बैंग से लेकर और बहुत पहले की बात है मतलब दिस ही रोट इन ही डाइड इन 1967 और इस प्रकार से उनका मृत्यु हो गया था उस समय की बात है परंतु बात यह है जिस दृष्टि से वो देखते हैं कि नेचर क्या है कल्चर क्या है, क्या है और नेचर का बाउंड्री कब टूटा फिर कल्चर ने कैसे आके उसको बचाया फिर कल्चर की बाउंड्री कब टूटा और अब हमारे इस प्रेजेंट समय में अभी जो समय है उसमें समस्या क्या है और उसको इतना पोइटिक वे में कहते हैं इतने कवितात्मक वे में कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कोई और इतना कविता से विज्ञान और इतनी समस्याओं को बता सके वरना हम ऐसी पुस्तकें पढ़ते हैं तो अगर कुछ जो इकोलॉजिकल डैमेज की बात करते हैं तो पढ़ते हुए हमें लगता है बहुत बुरा भी लगता है कि ये कितना क्या हो रहा है परंतु उनकी पुस्तक पढ़ें तो कविता भी है और साथ में विज्ञान भी है ऐसा बहुत कम उस समय तो बहुत कम कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है मेरे गुरु के सामने और मैं यह अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूँ मेरे गुरु के सामने तो पैर की धूल भी नहीं हूँ और ये केवल दृष्टि नहीं है द सिंटिलेटिंग ब्रिलियंस ऑफ माई गुरु इज समथिंग विच आई हैव नेवर फाउंड अगेन और इसलिए नहीं कि मेरे गुरु हैं मैं यह बहुत ऑब्जेक्टिव दूरी से बोल रहा हूँ उनको उन्होंने एक बार स्वयं कहा था मुझे लैंग्वेजेस में रुचि नहीं है मतलब दूसरी लैंग्वेजेस सीखने में संस्कृत आता था हिंदी आता था इंग्लिश आता था और दूसरा उन्होंने कहा मुझे लॉ में बहुत डीप लीगल uh, उसमें बहुत डीप इंटरेस्ट नहीं है अपार्ट फ्रॉम दैट ही न्यू एवरी सब्जेक्ट तो पहली बार मैं गया और मुझे विश्वास ही नहीं होता था एक दिन वो लेटे हुए थे अपने सोफे पे उनका एक किसी देवता की तरह वो एक वो सोफे पे बैठे रहते थे तो कहीं नहीं जाते थे और आप जहां जाएँ तो ऐसा लगता था जैसे मंदिर में कोई प्रतिमा है इस प्रकार से वो बैठे हुए हैं एक गणित की पुस्तक मैथमेटिक्स की बुक जो कंप्लीटली साइंस में थी जो साइन हमारे सामने कालाक्षर भैंस बराबर जिसको गणित में गणितज्ञ गर, नहीं है और वो लेट के पढ़ रहे थे ऐसे पेजेस फ्लिक करके तो मेरे मन में आया अच्छा क्या समझ रहे होंगे पता नहीं क्या ये पढ़ रहे हैं परंतु वो गणित में भी उनकी इतनी गति थी फिजिक्स में उनकी इतनी गति थी उनको क्वांटम मैकेनिक्स बहुत अच्छे से आती है उनको रिलेटिविटी बहुत अच्छे से आती है और साथ में उनको ह्यूमैनिटीज भी उनको रिलीजन के बहुत अच्छे कंपेरेटिव अध्ययन थे अपने धर्म के अंदर संप्रदायों के बहुत अच्छे अध्ययन थे सोशियोलॉजी साइकोलॉजी हिस्ट्री आर्कियोलॉजी ऐसा एंथ्रोपोलॉजी ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जो उनको ना आता हो ऐसा ब्रिलियंस मैंने आई हैव नेवर सीन अगेन यट उनके मन में पूरा विश्व उनको जाने ऐसी कोई भी इच्छा नहीं थी हो सकता है अगर वो ये देखें तो वो मुझे थोड़ा डांटे भी कि तुमने मेरे बारे में बात ही क्यों की क्योंकि उनका कहना था ये सब ट्रैप्स हैं नाम का और अपना बौद्धिक यश भी होना कि लोग हमें जाने हमारे नाम को जाने ये सब भी ट्रैप हैं और मैं सबसे ये तो सब बहुत लोअर फ्रूट्स हैं मुझे हाईएस्ट फ्रूट चाहिए जो मोक्ष है तो वो उसी की ओर अग्रसर हुआ और जो ब्रिलियंस है वो और भी और ज़्यादा अधिक ब्रिलियंट हो जाता है जब आप जिस व्यक्ति के पास इतना सारा है और उसमें यह इच्छा भी नहीं है कि लोग वह जाने जैसा मैं आपको बोलता हूँ अभी पूरे मैं बहुत विद्वानों से मिला हूँ बड़े बड़े विद्वानों से मिला हूँ परंतु ऐसी ब्रिलियंस मैंने किसी और विद्वान में नहीं देखी और उनके मन में एक बार भी यह इच्छा नहीं आई कि पूरा विश्व उनके बारे में जाने दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ